गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन के डिलीशियस कोफ्ते, तो चलिए बनाते हैं। इसलिए मैं बेसन की, दही की, नमक की, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च और काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी। अब हम बेसन और दो कटोरी पानी को मिला लेंगे। अच्छे से हमें इसको मिलाना है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। आपको भी इसको अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल इसी तरह, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। याद रखिएगा, ध्यान से इसे अच्छे से जल्दी जल्दी चलाना है आपको, ओके। अभी हो चुका है, अच्छे से मिल चुका है। अब इसे कढ़ाई पर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तब तक आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, तब तक इसको चलाते रहना है। बहुत अच्छे से आपको इसको चलाना है। देखिएगा, रुकिएगा मत और चलाते रहिएगा जब तक से गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, थोड़ा थोड़ा ये हो चुका है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा इसमें गाढ़ापन आ गया है। ऐसे ही चलाते रहिए, अभी रुकना नहीं है आपको जब तक ये पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अच्छे से चलाइए, बिल्कुल अच्छे अच्छे से, ठीक है, अच्छी तरीके से चलाना है। देखिए बस गाढ़ा हो ही गया है। अब हम इसे निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा हो चुका है, तब तक हम अब गैस पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे। हमने इसमें नमक डाला है, गरम मसाला, रेड चिली डालेंगे अब इसमें, और हम काली मिर्च भी डालेंगे अब इसमें। अब हम अपने हाथों में ऑयल को लगा लेंगे। आपको अच्छे से अपने हाथ में ऑयल को लगा लेना है और हम उसे चलाएंगे। आप भी इसे ऐसे ही चला लीजिएगा, बस इसे अच्छे से मिला दीजिए। देखिए मिल रहा है, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपने कोफ्तों को। कोफ्ते में अब हम हरी मिर्च और अदरक डालेंगे इसके अंदर, और हम इसे राउंड राउंड कर लेंगे। बिल्कुल कोफ्ता बन जाएगा हमारा भी। हमारे कोफ्ते बन चुके हैं, ऑयल भी गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके अंदर आपको इसको डाल देना है। अभी हम इसमें सिर्फ 4 कोफ्ते डालेंगे। वैसे धीरे धीरे कर कर चलाएंगे। देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आने लग गया है। ब्राउन कलर आने लग गया मतलब अब ये तैयार हो गए हैं। बस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम उसमें से ही थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें हम जीरा डालेंगे।
और इसे होने देंगे, वो गर्म है ऑलरेडी इसलिए जीरा हो चुका है। फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, फिर हम अदरक डालेंगे, फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए आपको भी इसको ऐसे ही चला लेना है। अब हम इसमें टमाटो की ग्रेवी डालेंगे जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। टमाटो की ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान है, आप भी पहले से ही बना कर रख सकते हैं और इसे डाल दीजिएगा। हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हम इसमें अदरक को डालेंगे। अब देखिए इसे अच्छे से चला लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको इसको मिलाना है। अब वो मिल चुका है, हम हल्दी को डालेंगे, हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च डाल देंगे हम इसके अंदर और हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लीजिएगा और अच्छे से चलाइएगा। अब इसे अच्छे से चला हो गया है। अभी अच्छे से चलाने के बाद अब इसे उबाल आने के लिए थोड़ी देर रख दीजिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा जब तक इसमें उबाल आ रही है, उबाल आने दीजिए। देखिए इसमें उबाल आ गई है, अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला दीजिए फिर से। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए इसमें फिर से उबाल आ रही है। थोड़ा सा अब चला लेंगे हम इसे थोड़ा सा। अब इसे आपको अच्छे चला लेना है। हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे धीरे धीरे चला लीजिए, ज़्यादा भी तेज मत चलाइएगा वरना कोफ्ते फूट जाएंगे। तो धीरे धीरे चलाइएगा इसको, जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। अब हम इसमें मलाई को डाल देंगे। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च भी डालेंगे और गरम मसाला। और इसमें धनिया को डाल देंगे और मिला लेंगे, थोड़ा ही मिलाइएगा।
हमारे बेसन के कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।